तो सुवरा आपने इस महीने में सजाया जो किसी के पाप का महीना नहीं है, सबके रसूल पाक का महीना है। और नबी फरमाते हैं ये महीना मेरा है और इसके बाद जो महीना आएगा वो अल्लाह का महीना है। यूं तो सारा महीना महीना ही है, मगर शाबान रसूलुल्लाह का महीना, रमजान अल्लाह का महीना, ये रसूल पाक का महीना कितने मुकद्दर के धनी है। महुआ कारखाना के मुसलमानों, रसूल पाक के महीने में किसी के पाप का गमसा नहीं होते। जरूर एक बार देखेंगे। 15 मिनट के बाद तकरीरी मैदान में आऊंगा, बहुत ज्यादा बोलूंगा भी नहीं। एक बजे जलसा खत्म नहीं, इसके नाम किया जाएगा, इसलिए कि जलसा खत्म हो ही नहीं सकता। इख्तिताम किया जा सकता है, मुख्तसर किया जा सकता है। लोग कहते हैं जलसा खत्म करो, खत्म किस माँ के दूध पिलाया है कि जलसा खत्म करके जलसे को खुदा ने किया है वो जलसा खत्म हो पाए। नबी का जलसा कुरान में है। और एक बात और नोट कर लो, यकीन जानो को कभी यौमे सिद्दीक पर मनाया जाता है, कभी प्रोफेट फारूक के आदम का जलसा किया जाता है, कभी उस्मान गनी का जलसा किया जाता है, हर हर मोड पर किया जाता है। कभी जलसा होता है साबी पिया कॉन्फ्रेंस के नाम से जलसा हो रहा है, कभी शरे मेराज के नाम से जलसा हो रहा है, कभी गौसुल वलान के नाम से जलसा हो रहा है, अल्लाह हू अकबर इस्लाहे मुआशरा के नाम से जलसा हो रहा है, मुख्तारे द्वारम कॉन्फ्रेंस के नाम से जलसा हो रहा है। मगर आज का जलसा जश्ने गौसुल वला के नाम का जलसा है, जो दिल के तख्ती पे नोट करके जाना, आज से लेकर नहीं जब से के दुनिया बनी है तब तक सुबह कयामत तक तस्करा किसी का भी होगा, जलसा मेरे नबी का होगा, जलसा मेरे नबी का होगा। इसलिए कि दौरे फारूक का यादव हो, मेरा जलसा रसूलुल्लाह का हो रहा है, सीरत के फारूक का यादव हो, मेरा जलसा रसूलुल्लाह का हो रहा है, जश्ने गौसुल वला हो, मेरा जलसा रसूलुल्लाह का हो रहा है, सभी कल्याणी का पैगाम हो, मेरा जलसा रसूलुल्लाह का हो रहा है, मेरा मुकीन का पैगाम हो, मेरा जलसा रसूलुल्लाह का हो रहा है। इसलिए कि जलसा किसी के पाप ने नहीं किया, जलसा किया तो होना है पाप। सुभान अल्लाह व सुभान अल्लाह व अल्लाह अपने घरों में घुस गए, 72 हुसैनी कामयाब हो गए। इसलिए 72 अगर आप हुसैनी हैं, शफी भाई जो मैंने शेर लिखा है अगर कहीं गड़बड़ हो तो इतला दीजिएगा और इस्लाह भी कर दीजिएगा, और अगर सही हो तो नारा लगा दीजिएगा। कितने लोग नहीं देंगे, सही बात है। काफी देर से लोग सोच रहे हैं कि ये कब तक बोलेगा, ये कब सोच रहे थे कि अभी काम समाप्त हो जाएगा। घबराइए नहीं, मैंने टाइम बता दिया है, घड़ी के टाइम से इंशाल्लाह आपका का गुलदस्ता होगा। शेर पढ़ता हूँ, अगर शेर चाहिए तो पूरा मजमा कुर्सी छोड़ के नारा लगाए ताकि इंकलाबी माहौल हो, जो सोए हैं वो बेदार हो जाए। शेर पढ़ता हूँ मैंने अपने लोग के मुताबिक, जो टूटे फूटे लिफाफ कलम कम किया है, शेर सुनिए कि मुस्तफा सही हो रहा है। बेशक मुस्तफा खैरुल वरा है, सोच कर बोला करो। बेशक सुभान अल्लाह, कुछ लोग हैं दाढ़ी टोपी वाले बगैर सोचे बोल देते हैं, नहीं जानते कि बगैर सोचे अबू जहल बोला तो जहालत का बाप बोला। बेशक ऐसा बगैर सोचे उनका मना तक क्या हासिल हुआ,
जगह सोचे शिवा बोला तो क्या हर्ष हुआ, गोबर जगह सोचे अबू लहब बोला तो क्या हर्ष हुआ, लेकिन जो सोच के बोले वो अबू बकर से बोला करो शेर सुनाने में सुनने में मजा आ जाएगा। मुस्तफा कैम वरा है सोच कर बोला करो, जब मैं चुप हो जाऊँ तो किसको बोलना है, बोला करो बोलना है, क्या बोलना है, बोला करो आप कहो बोला करो, मैं तो बंद हो जाऊँ आप कहो बोला करो, मैं चुप हो जाऊँ आप कहो बोला करो, मैं ना बोलूँ आप कहो बोला करो, बस इतना ही याद कीजिए मैं चुप हूँ तो आप कहो बोला करो। मुस्तफा कैम वरा है सोच कर बोला करो, अम्मा जी के हर दूसरा है सोच कर बोला करो, और मुझे सरकार पे अभी काफा झुका जिनके लिए वो हबीब की दुनिया है सोच कर बोला करो। बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठिए इंशाल्लाह, ताकि शेर सुनाने में मजा आए। और मेरे गर्म वर्मा मोहिते मुकल्लम फिरोज साहब महाराजगंज से चल करके इस दयाल में तशरीफ लाए, शेर सुनाता हूँ सुन लीजिए। मुस्तफा कैम वरा है सोच कर बोला करो, मुस्तफा कैम वरा है सोच कर बोला करो, हर दूसरा है सोच कर बोला करो, सरकार पे काबा झुका जिनके लिए सोच कर बोला करो, और रहमतुल आलमीन बनकर जहां में